पांच बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अपने निराशाजनक प्रदर्शन से सबको काफी हताश किया है। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एमआई एक भी मैच जीत नहीं पाई है। ऐसा आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुंबई इंडियंस 6 मुकाबले खेलने के बाद 2 अंक भी अर्जित नहीं कर पाई है, यानी एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। अब आईपीएल 2022 में मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी टीम ने नहीं किया है। क्या यहां से मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना सकती है, इसके लिए क्या कहते हैं प्लेऑफ के मैथमेटिक कैलकुलेशंस और इसके लिए क्या करना होगा मुंबई इंडियंस को, कैसे समीकरण बन सकते हैं कि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जा सकती है और इसके लिए क्या है एकमात्र आखिरी रास्ता, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सारे समीकरण। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है मुंबई इंडियंस के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आईपीएल 15 में मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खैर हम आपको ये तो बताएंगे ही कि यहाँ से मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में कैसी जगह बना सकती है और अब भी है उनके लिए ये एकमात्र आखिरी रास्ता, आखिरी समीकरण, और अगर ऐसा किया मुंबई इंडियंस ने तो इतिहास में करने वाली वो पहली टीम बन जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मुंबई इंडियंस को लगातार हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसकी दो बड़ी वजह सामने आती है। पहली कि रोहित शर्मा इस सीजन में आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। उन्होंने केवल 19 की औसत से 114 रन बनाए। उनकी पिछली 6 पारियों में वो सिर्फ एक ही बार से 30 से ज्यादा रन बना पाए हैं। जी हाँ, और इसीलिए मुंबई इंडियंस का लगभग सफर खत्म होने को आया है। इसी वजह से टीम को लखनऊ के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा। रोहित का बल्ला न चल पाना भी बहुत बड़ी वजह बन रहा है। और वहीं अगर बात की जाए ईशान किशन के ऊपर तो ईशान किशन को मुंबई के एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया, लेकिन उनका प्रदर्शन भी इस सत्र में गिरता ही जा रहा है। उन्होंने सीजन में पावर प्ले के दौरान सिर्फ 111 की औसत से रन बनाए हैं। उन्होंने सीजन में पावर प्ले के दौरान बहुत ही कम रन बनाए हैं और इसके अलावा अगर 2020 के आईपीएल सीजन को हटा दें तो ईशान किशन भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आईपीएल 2021 में मात्र 26.77 की औसत से रन बनाए हैं। इसके अलावा इस सत्र की शुरुआती 2 मैचों में अच्छा करने के बाद वो लगातार तेजी से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं, बल्कि इस बार नीलामी में वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, इसीलिए उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो खैर अब आइए जानते हैं मुंबई इंडियंस के उस आखिरी समीकरण के बारे में जहां से वो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। आईपीएल की पॉइंट टेबल को देखा जाए तो इस बार आईपीएल की केवल एक ही पॉइंट टेबल है और समीकरण ये कहते हैं कि इस पॉइंट टेबल के अंदर टॉप 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ में जगह बना लेंगी, लेकिन उसके लिए आखिर कितने मैच जीतने जरूरी होते हैं और मुंबई के पास यहाँ क्या कोई आखिरी रास्ता बचता है। तो जी हाँ, मुंबई इंडियंस के लिए एकमात्र आखिरी रास्ता ये बचता है कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होते हैं, और अगर 8 मुकाबले कोई टीम जीत जाती है तो वो प्लेऑफ की रेस में जगह बना पाती है। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो 6 तो अपने मुकाबले खेल चुके हैं और बचे हैं केवल 8 मुकाबले, यानी कि अभी तक वो एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, तो बचे हुए 8 के 8 मुकाबले उन्हें जीतने होंगे और ऐसा करने वाली वो एकमात्र टीम बन जाएगी अगर उन्होंने ऐसा किया। खैर ये तो हो नहीं सकता कि मुंबई इंडियंस बचे हुए 8 के 8 मुकाबले जीत जाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस को तो एक जीत भी नसीब नहीं हो रही है, और अगर ऐसा हो गया तो यही एकमात्र आखिरी रास्ता है मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुंबई को कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस इस रास्ते से प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी या फिर अभी भी मुंबई इंडियंस लगातार हार का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं।